उत्तर प्रदेश को अभी बाढ़ से छुटकारा नहीं मिला है और अभी भी तमाम नदियां उफान पर हैं और लगातार हाहाकार मचाए हुए हैं। गोंडा में भी बाढ़ के कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहां सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसका पानी कई गांवों में घुस गया है और लोगों के घरों में प्रवेश कर चुका है। कुछ ऐसा ही हाल तरबगंज तहसील के बेउंदा माझा गाँव का है। यहाँ कई पूर्वे बाढ़ की चपेट में है तो वही सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। इलाके के लोगों का कहना है कि बाढ़ का पानी चार दिन से घरों में घुसा हुआ है, जिसकी वजह से लेटना बैठना मुश्किल हो गया है। समस्या सब कुछ है, बढ़िया बाढ़ सब भरी है साहेब, खेती बाड़ी वो बह गए, बाल बच्चे वो कोनो चीज नहीं पावा चाहते, कहाँ से कोनो सुख खवाई उनका, कटान से भी उन खेती बाड़ी रही साहेब कटी जा थी, तो गैया भैंसिया और पानी में ना उनका चारा मिले ना आपका चारा मिला, यही परेशानी है साहेब। हाँ घर द्वार सब भरा सरकार। हमें बहुत से नशा पाई भैया भारी है, बहुत तकलीफ है हमका, पहुड़े बैठे खाए पिए कहूँ बनाए खाए सबिता ना लागत है, सड़क पर बनाए कोने में एक रोज बनाए थे तो कहूँ एक और पाई से दो रोज खाई थे, अतनी मुसीबत है बहुत मुसीबत महन, तो घर में पानी भरा है आज चार बज हैगा।